नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2018 के सिलेबस के बारे में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट से संबंधित तैयारी आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइमरी स्टेज का है वो है पहले सिलेबस। प्राइमरी स्टेज वाले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जिसके अंदर आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15। इसमें आप ये टॉपिक देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, तो ये सभी टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाएंगे। और लर्निंग विद पेडागोजी से संबंधित आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये मनोविज्ञान के अंदर पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट की, तो लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आपके जो तो आपके लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर है जो लैंग्वेज कंपेरिहेंसन है उससे संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है उनसे संबंधित आपसे 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड के अंदर आपसे कंपैरिजन से संबंधित 15 क्वेश्चन और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज और डेवलपमेंट से संबंधित आपसे 15 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड के अंदर पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, जहाँ पे आपसे ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड अराउंड्स, नंबर्स, एडिशंस, मल्टीप्लेक्शन, डिविजन्स, मेशरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और मनी से संबंधित यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो पेडागोजिकल इशू है 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में उससे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, जो सभी क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं जो एनवायरमेंट स्टडी है उससे संबंधित आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपसे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल्स है, प्लानट है, फूड है, शेटलर है, वाटर है, ट्रेवल्स है, थिंकिंग वी मेक एंड डू से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही जो 15 क्वेश्चन है इसके बाद पेडागोजिकल इश्यू से पूछे जाएंगे। एनवायरमेंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप्स ऑफ EVS इनसे संबंधित आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। एक्टिविटीज, स्कोप्स, लर्निंग प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंट स्टडीज, प्रॉब्लम्स, टीचिंग मटेरियल, तो ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस PDF को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो कि लेवल सेकंड के लिए है, जो क्लास 6 से 8 तक वालों के, एलिमेंट्री स्टेज वालों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उससे संबंधित आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड के लिए से संबंधित यानी इस इन बच्चों के लेवल का होगा 6 से 8 वालों का। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस एंड हार्डिडिटी एनवायरमेंट्स, तो यहाँ पे जो सभी टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर लगभग जो लेवल फर्स्ट है और सेकंड का सेम ही सिलेबस है, लेकिन इनके अंदर 6 से 14 वर्ष के जो 14 वर्ष के बच्चे हैं 6 से 8 वाले उनके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहाँ पे प्राइमरी लेवल के आपके फर्स्ट लेवल के अंदर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बात करें मैथमेटिक एंड अगर आपके पास साइंस है तो इससे आप 60 क्वेश्चन टोटली मैथमेटिक एंड साइंस से पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंशुरेशन और डाटा हैंडलिंग आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में जो पेडेगोजिकल इश्यूज हैं उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस से भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंक वर्क, नेचुरल, जो ये आप देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जो पेडागोजिकल इश्यू है उससे आपसे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपके पास सोशल साइंस है 4th सब्जेक्ट के रूप में,
तो यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से ही आंसर देना होगा, जिससे आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री से संबंधित हिस्ट्री पूछी जाएगी इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन वेयर और जो अर्लीस्ट और फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, द फर्स्ट एम्पायर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इनसे संबंधित आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे 1857 की क्रांति को भी शामिल किया गया है और नेशनल मूवमेंट भी यहाँ पे शामिल। ज्योग्राफी के अंदर आपसे जो सोशल स्टडी एंड साइंस है, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, ग्लोब के बारे में, एयर, वाटर, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के अंदर। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो सभी क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जो पेडागोजिकल इश्यू है, 20 क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को, इस जो PDF है उसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर पाएंगे इसे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।